खबर जाए लाठी न टूटे कभी जाल फितरत का ऐसा बिछाऊंगा मैं। उसको जाकर अभी है शाबाश शाबाश मुनीम शाबाश। गुरु साहब जल्द ही उल्टी गिनती गिनाइए उसको। तूने सही कहा आपने। ठाकुर भैपस दिमाग से काम लेगा। गुरु साहब वही हम कह रहे हैं। सुन मेरी बात, ऐसी कोई चाल चलिए आप इस तरह से फंसाइए उसको, जब फंसेगा हर बात मेरी सुनो। अरे जरा ध्यान से बात मेरी हर सुनो ध्यान से। जाओ खलिहान में दो लगाया तुम, आज देखना ऐसे कहो क्या ये मैं आज उसको फंसाऊं। सुनो ध्यान से मनम जी, आज हमारी बात सुनो। जाओ जो अपना बड़ा वाला खलिहान है उसमें आग लगा दो। ठीक है ठाकुर साहब, लगाने के बाद आज की ही रात हम जा रहे हैं पूरा खलिहान जला देंगे। जलाने के बाद मैं चलूंगा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर साहब के पास। ठीक ठाकुर साहब, उसके नाम साले को तत्काल FIR दर्ज कराऊंगा। नौकर, अरे तूने देखा वो पेंसिल के पास कितना दिमाग है रे। मनम जी, हाँ ठाकुर साहब चलो हम और तुम चलते हैं पुलिस स्टेशन। अरे अभी कैसे, अभी तो आग लगाए नहीं हमने। अरे ठाकुर साहब भूल जाते हैं आप। ओ, इतना साला गुस्सा खोपड़ी में आ गया कि बात ही भूल जाता हूँ। समझ गया, जाओ नौकर को भेज दो या तुम जाके आग लगाओ और हल्ला मचा दो कि तूफान रणवीर खलिहान ठोक दिया है साला। साला आज तू समझेगा साला कि कितना बड़ा ठाकुर रणवीर है। ठाकुर का मुकालवा आज मिलेगा। हेलो, ये देखिए ये हमारे बाबू साहब के रोल पर खुश कर गए। ये आ गए हैं प्रहलाद गुप्ता, नई बम्बई से चलकर आए हैं। शानदार 21 रुपए के पुरस्कार करते हैं। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया यो अभिनंदन और वंदन करते हैं। रणवीर, अरे तूने भपंदर से बगावत साले नहीं किया है, मैं कसम अपने मौत का साला दावत दिया है। नौकर, हाँ बोलिए भाजी, लगी आग। अब ये तो नाक का तो धुआं हुआ दिखा दबा। मुनीम से पूछ कितना समय करेगा रे। जाओ जाओ साले, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी रे ससुरा। क्या हुआ नौकर? अरे नौकर, अरे कितना लंबा साले तू लोग प्लान बना रखे हो कि आग अभी तक खलिहान में नहीं लगी। चल के राख हो गया। चल गई। शाबाश शाबाश बोलना शाबाश। चल चल मुनीम को लेकर पुलिस स्टेशन विष्णु के पास चलते हैं।
चौकीदार चौकीदार, जब से मैं इस थाने के अंदर आया हूं तब से ना तो कोई कांस्टेबल देख रहा हूं ना ही कोई चौकीदार देख रहा हूं। इतनी देर से मैं आवाज लगा रहा हूं लेकिन कोई चौकीदार अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। चौकीदार तू ही चौकीदार है। कहाँ था आपका साहब? इसी बरात आई रही वर्मा जी के, वर्मा जी कह रहे हैं तनकी चौकीदार तनकी देखे ताके के चोरावे उरावे ने पड़े जूता चप्पल। हाँ हाँ, बरात की तू रखवाली करने गया था कबे? हाँ तू जन गांजा पियत रहे हम कहे 500 रुपये दे दे ना तो सब बंद कर। तू भी गांजा पीता है? नहीं हम कहाँ पिए, बीर पी ले। ये कौन? गांव का भाई लगता है ना कि तुम्हारा भाई लगता है? ये बता तेरा क्या नाम है? जोखई। जोखई आगे पीछे? जोखई पाल। जोखई पाल, तोरा बाप के का नाम रहल? मुखई पाल। इपाल का हो तो? गलेरिया साहेब। गौड़ेरिया नहीं बे, गड़ेरिया कहा करते हैं ये लोग? क्या करते हैं जो भेड़ बकरी रखा करते हैं? हाँ साहेब। हाँ तो हुआ क्या करने गए थे? परमा जी कहें देखता के लिए तो हम पैसे दे दिए। हम कहे ठीक है। कितना पैसा? अब कहे हैं कि ले लिए 4-5 हजार रुपये का। अच्छा अच्छा, कितना वेतन तुमको यहाँ से मिलता है? ये काम मिलते हैं तो 1000 मिले तो यहाँ से तुमको नहीं पूरा पड़ता है ना? अरे घुस न ले पूरे नहीं पड़े। तोरा के का नाम है? जोखई पाल। और तोरा बाप के का नाम? मखई पाल। हाँ यहाँ इधर के वेतन से तोहरा के ना ही पूर पड़त और उधर वर्मा जी के पैसा से तोहरा के पूर पड़ी। और तोहरा नाम? नोखई पाल। जोखई पाल। जोखई पाल। बाप के नाम? मखई पाल। मखई पाल। तोहरा से कौनो औलाद अगर पैदा हुई तो कहना राजपाल। ऐसी के तैसी करा साहब, बहुत बिगड़ायल है। सही सही अपन परिचय बतावा।
चाहते हैं बे, तू दोनों का दोनों बकचोद है बे। ये क्या है? अबे क्या लिखा गया है? हिंदी में लिखा गया है। चश्मा कहा करते हम लोग, बड़े सौभाग्य की बात। श्री बाबू अश्वनी सिंह उर्फ कुंदन सिंह भटौली जिला जौनपुर और योगी सेवा जिला अहमदाबाद बलमऊ गुजरात। बोलने में अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो श्री बाबू साहब से हम माफी चाहते हैं। उनकी तरफ से 51 रुपए का संदान पुरस्कार हुआ है। हम और हमारी पार्टी उन साहबान को सिंह सा परिवार को हार्दिक वंदनों में अभिनंदन करते हुए आशीर्वाद की मनोकामना करते हैं। तो बे कबे तू थाने का सेवक है कि वर्मा के परिवार का सेवक है? उसको बुला पहले, भोथड़ी वाले को उसको बुला, बुला उसको। पैसा लेता है कि यहाँ ड्यूटी बजाने का पैसा लेता है? अच्छा अच्छा, चल हट, तू निकाल हाथ निकाल। No, no, no.